हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जब एसी सर्किट में ओनली लीनियर रेजिस्टेंस लगा हो तो वी और आई में क्या फेज रिलेशन होता है। यदि एसी सर्किट में केवल इंडक्टर लगा रहा हो तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट में क्या फेज रिलेशन होता है। और अगर केवल कैपेसिटर लग रहा हो तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बिटवीन क्या फेज रिलेशन रहेगा। ये इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टॉपिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जरा समय ध्यान से सुनना है। देखो, तीन कंडीशंस होती हैं। पहले मैं उनको डायरेक्ट रिवाइज कराता हूं। मैं आपको लेक्चर नंबर 5 में ये बता चुका था, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं तीन कंडीशंस को, फिर उसके बाद हम इन तीनों कंडीशंस को प्रूव करेंगे। तो पहली कंडीशन है, इफ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली लीनियर रजिस्टर आर, अगर एसी सर्किट में केवल लीनियर रजिस्टर लग रहा हो ऐसे, और यहां ये आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी और इसमें फ्लो करने वाली करंट आई, जानते हो इसमें जो फ्लो करने वाली करंट होती है वो आई आर एम एस, और ये वोल्टेज कितना होता है वी आर एम एस। तो हमें यहां प्रूफ क्या करना है, हमें यहां प्रूफ करना है कि वी और आई सेम फेज में होता है ना। फर्स्ट केस है कि अगर केवल रजिस्टर लग रहा हो तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी एंड अल्टरनेटिंग करंट आई आर इन सेम फेज। ये हमें प्रूव करना होता है, वी और आई सेम फेज में हैं, ना कोई लीड कर रहा कोई ना कोई लैग कर रहा। सेम फेज का मतलब क्या है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन लिखें तो आई जीरो साइन ओमेगा टी, यहां तो ये ओमेगा टी क्या होता है करंट का फेज, या फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना है आपका ओमेगा टी। ऐसे ही एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, तो इसका भी फेज कितना है ओमेगा टी, तो फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओमेगा टी। तो दोनों का फेज कैसा है सेम, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी एंड अल्टरनेटिंग करंट आई आर इन सेम फेज। ये लेक्चर नंबर 5 में थोड़ा सा मैंने फेज के बारे में जानकारी देखी, ठीक है। तो उससे पहले लेक्चर नंबर 5 देखना जरूरी है, क्लियर है यहां तक। अब देखो, इन दोनों अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बिटवीन फेज में डिफरेंस कितना है, देयरफॉर फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी एंड अल्टरनेटिंग करंट आई, देखो फेज डिफरेंस निकाले तो इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग करंट का फेज ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, तो फेज में डिफरेंस कितना जीरो। अरे घटा दो दोनों का फेज आपस में तो कितना डिफरेंस है जीरो। जब ये सेम फेज में है तो इसका जो फेजर डायग्राम बनाते हैं हम, फेजर डायग्राम यही बनाना मैंने आपको सिखाया था कि फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट आई और अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी आर इन सेम फेज, जो कुछ ना करें मतलब सेम फेज में हो, कोई लीड लैग ना करे तो अलोंग एक्स एक्सिस आता है, तो आई और वी आर इन सेम फेज, ये फेजर डायग्राम होता है। एक वेव डायग्राम भी होता है, वो अभी हम आगे बनाएंगे। तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, ये लाइन और ये एक रूल है, अगर केवल एसी सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस लग रहा हो तो वी और आई सेम फेज में होते हैं, इसे हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे अभी देखेंगे, ठीक है। दूसरा है, सेकंड, इफ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, एसी सर्किट ओनली इंडक्टर लग रहा हो इसी सर्किट में, दैट मींस एस है, ये एल है ना, इंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस होता है एक्स एल ओम,
और ये हमने एसी सर्किट में लगा दिया ऐसे, ये वी और इसमें करंट आई। तो इसमें आपका ये रिजल्ट याद रखो, इसमें फेजर डायग्राम ये होता है आई और ये वी, जानते हो ये जो वोल्टेज है इसके इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, वी एल, तो वी बराबर वी एल, यहां पे ये वी बराबर वी एल है। ऐसे ही यहां पे इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, वी आर, तो यहां पर ये वी बराबर वी आर है, ये वी आर। तो देखो जो कुछ नहीं करता वो अलोंग एक्स एक्सिस, और जो लीड करता है वो ऊपर और लैग करता है वो नीचे। तो यहां वोल्टेज लीड कर रहा है किससे, करंट आई से, तो यहां लाइन आएगी द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी लीड, ऊपर हो 90 डिग्री, तो लीड द अल्टरनेटिंग करंट आई बाय फेज, कितना रेडियन भाई, कितना डिफरेंस है, पाई बाय टू का। अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी लीड द अल्टरनेटिंग करंट आई बाय फेज पाई बाय टू रेडियन। जो कुछ नहीं करे इसमें, कौन कुछ नहीं कर रहा, अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज लीड कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट से, तो जो कुछ नहीं करेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस, और जो लीड करेगा ऊपर और लैग करेगा नीचे। तो यहां अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड कर रहा है ऊपर, है ना, किससे, अल्टरनेटिंग करंट से, किसमें लीड कर रहा है, किसमें आगे है, फेज में आगे है, कितना फेज में आगे है, पाई बाई टू रेडियन। यही लाइन हमें प्रूव करनी होती है ना, ये प्रूव कर सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन लिखे, तो जो कुछ नहीं कर रहा तो अल्टरनेटिंग करंट, कुछ नहीं कर रहा तो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन स्टैंडर्ड। तो यहां अल्टरनेटिंग करंट का फेज कितना, ओमेगा टी, यहां फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओमेगा टी। वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो वी बराबर वोल्टेज इक्वेशन लिखे साइन ओमेगा टी, कितना फेज में आगे है, पाई बाई टू रेडियन आगे है, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये फेज में इसका अल्टरनेटिंग करंट का फेज था ओमेगा टी, इसका फेज कितना है, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट से फेज में कितना आगे है, पाई बाई टू आगे है, प्लस हो रहा है, इसका फेज ओमेगा टी, फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है, पाई बाई टू का, तो यहां फेज डिफरेंस कितना है, इसको बोलते हैं हम फेज डिफरेंस। तो इसमें फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाई टू का, करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है। तो इसका फेजर डायग्राम, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन समझ में आ रही है, इस डायग्राम से याद रख सकते हो इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखो इसको हम अगर इस लाइन को अगर हम ये सोचें कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर आगे है अल्टरनेटिंग करंट से फेज में पाई बाई टू रेडियन, अगर वोल्टेज आगे है करंट से फेज में पाई बाई टू रेडियन, तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट पीछे है वोल्टेज से फेज में पाई बाई टू रेडियन, जब वोल्टेज करंट से आगे फेज में पाई बाई टू रेडियन, तो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज से फेज में पाई बाई टू रेडियन पीछे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिवर्स करके लाइन, ये दोनों लाइन एक ही होती हैं, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कैसे, द अल्टरनेटिंग करंट आई लैग बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी बाई फेज पाई बाई टू रेडियन, ऐसे। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है, दोनों का एक ही मीनिंग है। अब चेक कर लो, अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो कौन कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज, तो वोल्टेज की इक्वेशन स्टैंडर्ड आएगी, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट क्या कर रही है, लैग बिहाइंड कर रही है, मतलब पीछे है, तो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आएगी आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई टू। और इसमें कौन कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज, तो वोल्टेज आएगा अलोंग एक्स एक्सिस वी, ऐसे आएगा, और करंट क्या कर रही है, लैग बिहाइंड, तो करंट नीचे आ जाएगा ऐसे, कितना लैग बिहाइंड है, पाई बाई टू रेडियन, पाई बाई टू रेडियन।
ये बात समझ में आई तो हम ये ऐसे लिखते हैं, इनको सीखिए समझिए, अभी हम इनको प्रूव करेंगे, ठीक है। ये सेकंड केस है। ऐसे ही होता है कैपिस्टर। अगर हम कैपिस्टर की बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आई पहले आपको, कैपिस्टर की बात कर रहे हैं तो इफ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपिस्टर, ओनली कैपिस्टर, ओनली कैपिस्टर, तो अगर एसी सर्किट में केवल कैपिस्टर लग रहा हो, एक्सी ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे और वोल्टेज ऐसे, या वी कह सकते हो, वी बराबर वी सी, वी सी ये करंट, ठीक है। तो रिलेशन ये होता है। तो देखो इसमें कौन कुछ नहीं कर रहा, करंट तो कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग बिहाइंड है या लीड कर रहा है, तो वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से, नीचे है ना, तो हम लाइन लिखेंगे इसमें, इस फेजर डायग्राम को याद रखिए तो ये लाइन याद रहेगी, और ये लाइन हम प्रूव कर देंगे कि अगर कैपेसिटर लग रहा हो तो ये ऐसा होगा, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी लैग बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करंट आई बाई फेज पाई बाई टू रेडियन। देखो ये पाई बाई टू रेडियन नीचे तो है 90 डिग्री, पाई बाई टू रेडियन मतलब 90 डिग्री। तो करंट की इक्वेशन कैसे होगी, करंट कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ ना करे उसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड, अगर इस लाइन से इक्वेशन लिख सकते हैं हम, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, वोल्टेज क्या कर रहा है लैग, तो वी इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, कितना लैग कर रहा है पाई बाई टू रेडियन, फेजर डायग्राम बना ही दिया। इस लाइन को अगर हम लिखना चाहें, इस लाइन का मीनिंग और इस लाइन जो मैं लिख रहा हूं सेम मीनिंग निकलेगा, अगर वोल्टेज करंट से पीछे है फेज में पाई बाई टू, अगर वोल्टेज करंट से फेज में पीछे है पाई बाई टू, तो करंट आगे है वोल्टेज से फेज में पाई बाई टू, एक ही बात तो है, जब वोल्टेज पीछे था करंट से तो करंट आगे ही तो होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका दूसरी लाइन, द अल्टरनेटिंग करंट आई लीड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी बाई फेज पाई बाई टू रेडियन। दोनों लाइनों का मीनिंग एक ही है। अगर हम ये लाइन प्रूफ कर दें तो ये लाइन अपने आप प्रूफ हो जाती है, अगर हम ये लाइन प्रूफ कर दें तो ये लाइन अपने आप प्रूफ हो जाती है, दोनों लाइन का मीनिंग एक ही है बेटा। लेकिन अब इसमें कौन कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज, तो वोल्टेज इक्वेशन स्टैंडर्ड आएगी वी जीरो साइन ओमेगा टी, और करंट क्या कर रहा है लीड, तो करंट लीड कर रहा है, तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू रेडियन। इसमें वोल्टेज कुछ नहीं कर रहा तो फेजर डायग्राम बनाए तो वी, करंट लीड कर रहा है तो ऐसे भी बना सकते हैं आप इसका डायग्राम, चल में ये लाइन और ये लाइन सेम, दोनों में से कोई भी एक लाइन प्रूव कर दो और करके लिख सकते हो आप, ये तीन रूल होते हैं। तो हमें यहां प्रूव क्या करना है, जब एसी सर्किट में केवल आर लग रहा है तो वी और आई सेम फेज में है, ये प्रूव करना है। अगर एसी सर्किट में ओनली इंडक्टर लग रहा है तो वोल्टेज लीड करता है अल्टरनेटिंग करंट से बाई फेज पाई बाई टू रेडियन, या ये दोनों में से एक लाइन प्रूव कर दो कोई सी भी, तो हमें ये प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं, और ये सबसे पावरफुल पॉइंट है आपको, ये मैंने किस में भी पढ़ाया है आपको, लेक्चर नंबर 5 में। चलो देखते हैं इनको प्रूव कैसे करते हैं। इन्हें देखते हैं प्रूफ, हेडिंग लगाते हैं फर्स्ट, प्रूफ देख रहे हैं। देखो प्रूफ करने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं, ये रजिस्टर है ना, अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे ऐसे, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा V, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, तो वो V कितना होगा, V बराबर आई होगा, पढ़ाएगा आपने रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V बराबर आएगा एक। दूसरा ये इंडक्टर है ना, इसका रेजिस्टेंस होता है XLO,
और इसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है एल हेनरी, और इसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराई, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी वो कितना होगा, एल डी आई ओवर डी टी। पढ़ा ना आपने इंड्यूस ईएमएफ, कंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, ई बराबर एल डी आई ओवर डी टी, याद आया आपको। तो इतना ही इसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं तो मैग्नीट्यूड लिख लिया, V इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। और कैपेसिटर में कहते हैं कि अगर एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस सी है, इस पर प्लस के क्यू चार्ज है, और इसको हमने एसी सोर्स के अक्रॉस लगाया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आता है, तो V बराबर क्यू ओवर सी, याद आया, V इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। ये फॉर्मूला हमने कैपेसिटर पढ़ा था, क्यू बराबर सी वी, तो V निकालेंगे तो क्यू ओवर सी, क्यू चार्ज है और सी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ये तीन फॉर्मूले आपको याद होंगे। अब प्रूव करते हैं, इफ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, अगर एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, हम प्रूव क्या करने वाले हैं, समझ में आ रहा है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर एसी सर्किट में केवल आर लग रहा हो तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी एंड अल्टरनेटिंग करंट आई आर इन सेम फेज, ये हम प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एसी सर्किट ले लिया और इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर ओ, और इसके अक्रॉस मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया जिसका वोल्टेज कितना है, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। ये एसी सोर्स है, इसका वोल्टेज कितना, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ रजिस्टर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने अप्लाइड किया अक्रॉस द रजिस्टर, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये तो हमने अप्लाइड किया, सोर्स लगाया तो वोल्टेज, बैटरी लगाई ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, है ना। बट वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ रजिस्टर, एंड्स ऑफ रजिस्टर V इज इक्वल टू होता कितना है, आई आर, ठीक है। देखो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड किया गया रजिस्टर के अक्रॉस, और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रजिस्टर, तो ये वाला V और ये वाला V सेम होगा, तो इस V की वैल्यू, ये वाली V की वैल्यू हम यहां रख दें, तो V की वैल्यू पुट कर दें तो V जीरो साइन ओमेगा टी बराबर आई आर। सर आप ये करके आ रहे हो, तो मैंने कहा कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर एसी सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस लगा हो तो वी और आई सेम फेज में होते हैं। सर ये प्रूव कैसे करोगे, इक्वेशन बना के, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन तो ये नहीं, अब मैं किसकी इक्वेशन निकाल लूंगा, अल्टरनेटिंग करंट की, और अल्टरनेटिंग करंट की जब इक्वेशन आ जाएगी तो उसका फेज में रिलेशन देखूंगा कि उनका फेज में रिलेशन कैसा है, सेम फेज में है, कोई लीड कर रहा है या कोई लैग कर रहा है, कैसा फेज रिलेशन है, है ना, तो ये देख लेंगे। तो हम किसकी इक्वेशन निकालेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन निकालते हैं, वोल्टेज की इक्वेशन हमने लिख ली है, ये तो हमने अप्लाइड किया है, तो हम क्या करें, यहां से अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन निकाल लें, तो आई की इक्वेशन निकाल लें, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी जीरो ओवर आर साइन ओमेगा टी। एक बार बताओ, अगर आई की वैल्यू पर और साइन ओमेगा टी में आप देख रहे हो तो कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, अगर साइन ओमेगा टी मैक्सिमम तो आई मैक्सिमम, और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन तो आई की मैक्सिमम वैल्यू वी जीरो ओवर आर। अब यहां से समझो, वी जीरो ओवर आर लिख रहा है ये साइन ओमेगा टी, इफ साइन ओमेगा टी अगर कैसा मैक्सिमम, देन आई कैसा मैक्सिमम, डायरेक्टली रिलेशन है ना इसमें, आई नो साइन ओमेगा टी में, और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू भाई साइन के टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू प्लस वन, और अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू हम प्लस वन रख दें तो करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट को क्या बोलते हैं, आई नॉट, अभी आई मैक्सिमम ही लिख लेता हूं, आई मैक्सिमम बराबर कितना आया, वी जीरो ओवर आर, और अल्टरनेटिंग करंट में मैक्सिमम करंट को क्या बोलते हैं हम, पीक करंट आई जीरो, मैक्सिमम करंट
पीक करंट था, एम्पलीट्यूड करंट था आई जीरो, तो दैट मीन्स इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं आई नॉट। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे आई नॉट लिख रहा है तो वी नॉट ओवर आर, भाई करंट इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस ही तो होता है, तो ये क्या चीज है करंट, तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर टू। यहां तक आया, ये सबसे इजी डेरिवेशन है इसका पहला वाला, इजी तो सारे ही हैं, यहां तक समझ में आया पहले आपको। अब जरा मेरे को देख के बताइए अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग करंट का फेज कितना है ओमेगा टी, तो दोनों का फेज कैसा है सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या क्लियर हो रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इट इज क्लियर दैट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी एंड अल्टरनेटिंग करंट आई आर इन सेम फेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज देखे तो ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग करंट का फेज देखिए तो ओमेगा टी, तो दोनों का फेज कैसा है सेम है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी एंड अल्टरनेटिंग करंट आई आर इन सेम फेज, ये सेम फेज में है, ये डेरिवेशन हो गया भाई, ये प्रूव कर दिया हमने कि दोनों सेम फेज में है, क्लियर है। कैसे प्रूव किया समझ में आया, अच्छा आगे हम बढ़ रहे हैं आपका इसमें, तो इसका फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो यहां कोई लीड नहीं कर रहा, कोई लैग नहीं कर रहा, दोनों सेम फेज में हैं, तो इसका जो फेजर डायग्राम बनाया जाता है ये फेजर डायग्राम, अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो ऐसे बनाएंगे करंट और वोल्टेज आर इन सेम फेज, ये फेजर डायग्राम है इसका, करंट और वोल्टेज आर इन सेम फेज, ये ध्यान रखना है फेजर डायग्राम। जब रजिस्टर हो तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो करने वाली करंट सेम फेज में होती है, तो फेजर डायग्राम ऐसे बनता है। एक होता है वेव डायग्राम, वेव डायग्राम, तो देखो वेव डायग्राम मैंने आपको सिखाए थे कहां पर, आपको लेक्चर नंबर वन में, ये वेव डायग्राम मैंने आपको सिखाए हैं लेक्चर नंबर वन में। तो इसका जो वेव डायग्राम है वो मैंने आपको इसका वेव डायग्राम, इसका वेव डायग्राम बनाना सिखाया था लेक्चर नंबर वन में, थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ, लेकिन अगर आपको सीखना है वास्तव में वेव डायग्राम तो लेक्चर नंबर वन देखिए, लेक्चर वन में मैंने पूरा बहुत अच्छी तरीके से वेव डायग्राम सिखाया है। तो देखो वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे अभी सिखाते हैं है? तो देखो आपको याद हो आई बराबर प्लस के आई जीरो साइन ओमेगा टी, इसका हमने डायग्राम नहीं बनाया था, साइन का है प्लस का है, तो अब मैं डायरेक्टली सिखाऊंगा बस केवल, यहां हम क्या लिखते हैं टाइम और यहां करंट आई, फिर यहां पे टाइम जीरो है, यहां पे टाइम टी वाई फोर, यहां पे टाइम टी वाई टू, यहां पे टाइम थ्री टी वाई फोर, यहां पे टाइम टी, एवरी में डिफरेंस टी वाई फोर का डिफरेंस, टी वाई फोर का डिफरेंस, टी वाई फोर का डिफरेंस, टी वाई फोर का डिफरेंस। तो देखो ये इसकी लाइन बना लें डेड डैस, यहां से भी ये लाइन बना लें डेड डैस, ये आपकी मैक्सिमम करंट आई नॉट, ये माइनस के आई नॉट। तो साइन ओमेगा टी अगर आप कहां से स्टार्ट होता है पॉजिटिव जीरो से, और मैक्सिमम पहली बार मैक्सिमम कहां पर होता है टाइम टी बाई फोर पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जीरो फिर द्वारा से कहां होता है इस जगह पर, फिर नेगेटिव यहां पर, फिर इस जगह पर जीरो। तो आपको याद हो कि पहला कट कहां पे कर रहा है ये टाइम एक्सेस को, यहां से जीरो से स्टार्ट होगा ऊपर जाएगा, और टाइम एक्सेस को पहली बार कट कहां पे करेगा टी बाई टू पर, टाइम एक्सेस को पहली बार कट कर रहा है ग्राफ टी बाई टू पर, और फिर नेगेटिव में चला जाएगा और फिर जीरो, ऐसे भी चलता रहता है ये। ऐसे ये सर ऐसे ही क्यों बनाया है इसका डायग्राम, तो ये हमने सिखा चुके हैं पीछे है ना। अगर हम किसका डायग्राम बनाए I बराबर माइनस के आई जीरो साइन ओमेगा टी का, समझ लो अच्छी तरीके से, अब इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, ये भी साइन ओमेगा टी का ग्राफ है लेकिन नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं याद आया आपको, ये मैंने सिखाई नहीं है आपको, सिखाए हैं ये कैसे बनाते हैं, अब तो डायरेक्टली डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ये टी वाई फोर, ये टी वाई टू, ये थ्री टी वाई फोर और ये टी, तो साइन का है तो स्टार तो जीरो से होगा, ये प्लस के आई नॉट
और ये माइनस के आई नॉट। तो स्टार्ट तो साइन जीरो से ही होगा, साइन का ग्राफ हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन नेगेटिव में ही, तो नेगेटिव में घूमेगा और पहला बार मैक्सिमम होगा टी बाई फोर पर और जीरो होगा टी बाई टू पर। मतलब पहली बार किसको कट करेगा, यहां से ऐसे लाइन ला लीजिए, यहां से भी लाइन ला लीजिए ऐसे, तो ये यहां से ऐसे जाएगा। पहली बार किसको टाइम एक्सिस को कहां पर कट करा, टी बाई टू पर, और पहली बार मैक्सिमम कहां पर हुआ, टी बाई फोर पर। फिर ये ग्राफ चलता रहेगा, यहां पर मैक्सिमम होगा, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे और ऐसे भी चलता रहेगा आपका। ये माइनस के आई जीरो साइन ओमेगा टी का, तो देखो प्लस के आई जीरो साइन ओमेगा टी है, तो पहली बार टाइम एक्सिस को टी बाई टू पर करेगा, जीरो पर कट करेगा, जीरो से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ से जाएगा। माइनस के साइन ओमेगा टी है तो जीरो से स्टार्ट होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा और पहली बार कट कहां पर करेगा, टी बाई टू पर करेगा टाइम एक्सिस को। ये साइन ओमेगा टी के ग्राफ ये ऐसे ही क्यों बनाए हैं, तो मैंने इनको समझाया है लेक्चर नंबर वन में, ठीक है। अब आपको दूसरा बताता हूं, यहां और सुनते हैं। अगर हम आई जीरो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनाए, कॉस ओमेगा टी का ऐसे, तो अब ये को प्लस के है आई जीरो कॉस ओमेगा टी ग्राफ, अगर कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनाते हैं तो फिर हम ये टाइम लिख लेंगे और ये करंट लिख लेंगे आई, ये मैक्सिमम करंट आई जीरो प्लस में और ये मैक्सिमम करंट माइनस में, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ये टी बाई फोर, फिर ये टी बाई टू, वन फोर्थ, आधा, थ्री फोर्थ टाइम और एक कंप्लीट साइकिल। अगर कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है और पॉजिटिव है तो स्टार्ट यहां से होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता, यहां से स्टार्ट नहीं होता ग्राफ, यहां से स्टार्ट होता है और पहली बार कट कहां पर करता है, टी बाई फोर पर कटता है टाइम एक्सिस को, यहां पर कट करेगा, फिर मैक्सिमम यहां पर होगा जाके टी बाई टू पर, फिर जीरो इतने पर, फिर तो आपकी लाइन बन जाती है अपने यहां, देखो तो यहां से चलेगा ऐसे यहां पर आ गया, तो यहां आने के बाद ये ऐसे अपने आप देखो यहाँ पे फिर मैक्सिमम होगा, देखो ऐसे, ये जीरो से स्टार्ट नहीं है, है ना, और पहली बार कट कहाँ पे कर रहा है, टाइम एक्सिस को टी बाई फोर पर कर रहा है, इसको नोट करना है आपको कि पहली बार कट कहाँ पे कर रहा है, टी बाई फोर, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझ आया। पर ऐसे क्यों बनाया है, तो मैंने इसको भी समझाया है लेक्चर नंबर वन में। आगे चलते हैं, आई बराबर माइनस के आई जीरो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो हम ये टाइम टी और ये करंट आई, इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में माइनस के आई नॉट, ये लाइन खींच लीजिए आप ऐसे, यहां लिख लीजिए टी बाई फोर, यहां लिख लीजिए टी बाई टू, यहां लिख लीजिए थ्री टी बाई फोर और यहां टी। देखो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ स्टार्ट जीरो से नहीं होता, जीरो से नहीं होता, पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव है तो नीचे से स्टार्ट हुआ है यहां से, ठीक है, और यहां से स्टार्ट होगा और पहला कट किस पर मारेगा, टी बाई फोर पर टाइम एक्सिस को, और फिर मैक्सिमम कहां होगा, देखो यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे, इनको मिला लो आप ऐसे, ये नेगेटिव कॉस ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे क्यों बना रहे हैं, तो हमने आपको ये समझाया था भाई, माइनस के आई नॉट कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी लिख लेते हैं, टू पाई बटे टाइम पीरियड इनटू टी, यहाँ पे टी कितना है, जीरो, तो यहाँ टी लाओ जीरो रख दो, फिर आई निकाल लो, यहाँ पे टी वाई कितना है, टी वाई फोर, तो यहाँ टी वाई फोर रख दो, स्मॉल टी की जगह पर टी वाई फोर, फिर आई जीरो आई निकाल लो और टिक पॉइंट ना चले जाओ, ग्राफ बनता चला जाता है, ये मैंने सिखाया है आपको पीछे यार, ठीक है। चलिए सर ये सब समझा लिया, तो सर ये क्यों किया, तो अब जरा समझो, अब हम क्या पढ़ रहे थे, एसी सर्किट ओनली आर, और ओनली आर में जब एसी सर्किट में केवल आर लग रहा है तो वोल्टेज और करंट कैसे आ रहे हैं सेम फेज में, उनकी इक्वेशन क्या आ रही है, वोल्टेज की इक्वेशन आ रही थी ये, एंड अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आ रही थी ये, तो वेव फॉर्म बनाना है, वेव डायग्राम, और यहां वी और आई, इसका भी फेज ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी एंड अल्टरनेटिंग करंट आई आर इन सेम फेज, सेम फेज है ना, सेम फेज, वी और आई सेम फेज में है, क्योंकि इसका भी ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी, तो इसके वेव डायग्राम बनाओ, ये तो फेजर डायग्राम है,
वेव डायग्राम बना, तो देखो इसको देखो वोल्टेज का, और एक बात बताओ इस आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है ना, वी नॉट ओवर आर की जगह तो लिखा था, तो आई नॉट ज्यादा होता है वी नॉट, तो सीधी सी बात है वी नॉट ज्यादा है आई नॉट से, है ना। तो वेव डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो एक ऐसे कर लीजिए, ये टाइम बना लीजिए, ये वोल्टेज भी है और ये करंट भी है, दोनों को एक साथ बनाना है। तो पहले मैं वोल्टेज का बना लेता हूं v का, तो देखो ये साइन ओमेगा टी का कर्व है प्लस में है, है ना। तो पहले हमने बना लिया ये ऐसे ऐसे, ये बहुत हल्की लाइन ना, बिल्कुल हल्की लाइन, काफी हल्की लाइन डेड डैश वाली, ये प्लस के v नॉट, ये t by 4, ये t by 2, ये 3t by 4, ये t। तो वोल्टेज साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से, मैक्सिमम वैल्यू t by 4 पर आई, फिर जीरो हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ये इन पॉइंटों को आप मिलाते हुए ग्राफ बना दीजिए, ठीक है। ये तो ग्राफ हो गया वोल्टेज का, आया। अब करंट का बनाना है, तो करंट का एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो वी जीरो बटे आर है, तो थोड़ा सा कम है, और कम है तो हम यहां लिख लेते हैं दिस इज अ मैक्सिमम करंट आई नॉट, तो ये इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहां तक ऐसे आएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो बनाए, तो अगर हम आई नॉट का ग्राफ बना रहे हैं तो इसका भी इक्वेशन देखो, इक्वेशन से ग्राफ बनता है, ये भी साइन ओमेगा टी और प्लस का है, तो ये भी जीरो से स्टार्ट होगा, पहली बार मैक्सिमम होगा टी बाई फोर पर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है ना, तो यहीं तक तो है, और फिर जीरो हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा आई, फिर मिनिमम जीरो हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, इन पॉइंटों को डेड डैश करके बनाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक को डार्क से बनाते हैं और एक ग्राफ को कैसे बनाते हैं, ये हटा देंगे, ये हटा दो, एक को डेड डैश करके बनाएंगे, सॉरी ये ऐसे, ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, आई ये होता है वेव डायग्राम, ऐसे क्यों बनाया समझ में आया, ऐसा नहीं कहीं से नहीं खींच दो, टी वाई टू पर जीरो होना चाहिए पहला कट, टी वाई टू पर साइन का ग्राफ है, टी वाई फोर पर मैक्सिमम होना चाहिए पहली बार, क्लियर है। तो अब जरा देखो इसमें सेम फेज का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों इस जगह पर कैसे हैं, जीरो हैं, एक साथ टी वाई फोर पर दोनों जाके कैसे हुए मैक्सिमम, और फिर टी वाई टू पर एक साथ जीरो हो गए, टी वाई टू पर दोनों एक साथ जीरो, तो सेम फेज का मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट एक साथ मैक्सिमम होते हैं और एक साथ जीरो हो जाते हैं, फिर अगली बार दूसरी साथ डायरेक्शन में एक साथ मैक्सिमम होते हैं और एक साथ जीरो हो जाते हैं, तो ये होता है दोनों एक साथ जीरो और एक साथ दोनों की वैल्यू मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये दोनों सेम फेज में हैं, ठीक है। तो ये सेम फेज में, ये इसका वेव डायग्राम होता है, क्लियर है। चलो छोड़ते हैं, यहां तक समझ में आया बेटा आपको। अब दूसरा है हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, उसको देखते हैं ओनली इंडक्टर। देखो ये इसका डेरिवेशन बहुत कम आता है, जो भी मैंने बताया इंडक्टर का कैपेसिटर का डेरिवेशन बहुत आता है प्रूव करने के लिए, ठीक है। ओनली इंडक्टर, तो अब हम एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, इसको अच्छी तरीके से समझना, ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल हेनरी और इसका रेजिस्टेंस एक्सएल, हम यहाँ पे इस एक्सएल ओम में जैसे पीछे कह रहा था ना कि हम इसको प्रूव करेंगे कि इसको रजिस्टर क्यों कहा, रेजिस्टेंस क्यों कहा एक्सएल को, और इसकी वैल्यू एल ओमेगा कैसे आई, यही प्रूफ होगा। ये मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया, देखो ये एसी सोर्स मैंने अप्लाइड किया है इंडक्टर के अक्रॉस, तो इसका वोल्टेज भी मेरे को मालूम होता है, ये मैंने इतना अप्लाइड किया है साइन ओमेगा टी, तो हम क्या लिखेंगे, इफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज applied across ends of inductor, कितना voltage applied किया है भाई, V0 alternating voltage,
अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ इंडक्टर वी रावर वी जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है। बट वी नो दैट, देखो जब ये अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तो ये वोल्टेज अप्लाइड करने पर इसके अक्रॉस एक इंड्यूज ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल वोल्टेज है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और जब वोल्टेज वेरिएबल है तो इसमें फ्लो करने वाली करंट भी वेरिएबल होगी, और जब करंट चेंज होगी तो इसके अक्रॉस एक इंड्यूज ईएमएफ डेवलप होगा, और उस इंड्यूज ईएमएफ की वैल्यू तो जानते हैं ना, तो वी नो दैट, अब ये भी लिख सकते हो सीधा कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, we know that potential difference across inductor, across ends of inductor, ends of inductor कितना है, v बराबर magnitude लिखते हैं l di over dt आता है। ये भी इंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाइड किया, और ये भी इंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस है, दोनों इक्वल होंगे, ये हमने पीछे पढ़ा है। तो v की वैल्यू अगर हम यहां डाल दें इसमें, V बराबर V जीरो साइन ओमेगा t इज इक्वल टू एल डी आई ओ वन डी टी। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि यहाँ V और I में कैसा फेज रिलेशन है ना, V और I में फेज रिलेशन कैसा है, ये प्रूव करना है। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि फेज रिलेशन क्या है, तो देखो फेज रिलेशन किससे मालूम पड़ता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन से और अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन से। तो हमारे पास किसकी इक्वेशन तो है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन तो है, हम किसकी इक्वेशन और निकाल लें, अल्टरनेटिंग करंट की, फिर उन दोनों के फेज में क्या रिलेशन है वो निकाल देंगे, वही तो प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है फेज रिलेशन। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से निकालें, दैट मीन्स आई यहाँ से निकाल लें, तो इसको इसमें डिवाइड कर दें, एल को डी टी का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, डी आई निकाल दें, तो एल को इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी जीरो ओवर एल साइन ओमेगा टी, और डी टी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डी टी क्या बचेगा, डी आई। तो डी आई इज इक्वल टू आया वी जीरो बटे एल साइन ओमेगा टी डी टी, तो ये डी आई आ गया हमारा। देखो यहां लिख देता हूं, डी आई इज इक्वल टू वी जीरो बटे एल साइन ओमेगा टी डी टी, लेकिन हमें आई निकालना है या डी आई, हमें आई निकालना है, तो बताओ आई कैसे निकले, आई कैसे निकले बताओ, क्या करना चाहिए, तो इंटीग्रेशन कर देना चाहिए भाई, डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई आ जाता है। तो हम इंटीग्रेशन बॉस साइड यहाँ क्या कर दें, इंटीग्रेशन अगर हम इंटीग्रेशन कर दें बॉस साइड का, तो ये डी आई किसके रेस्पेक्ट में, इधर इंटीग्रेशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम वाले फंक्शन को छोड़कर सारा बाहर आ जाएगा, तो v0 ओवर l तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t dt, ठीक है। और इंटीग्रेशन के बारे में मैंने पीछे आपको बताया है कि इंटीग्रेशन साइन t dt कितना होता है, माइनस के cos t, ये फॉर्मूला है कि साइन t का इंटीग्रेशन माइनस के cos t। तो ये बताओ इस वाले इंटीग्रेशन में डिफरेंस किस चीज का है, देख के बताओ, तो इसमें ओमेगा एक्स्ट्रा है, इससे इसमें साइन टी डी टी है, इसमें ओमेगा टी है, तो एक्स्ट्रा क्या है, ओमेगा, और जो एक्स्ट्रा हो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, पहले साइन टी का माइनस के कॉस टी, तो साइन ओमेगा टी का माइनस के कॉस ओमेगा टी, और एक्स्ट्रा क्या, ओमेगा, तो ओमेगा डिवाइड में, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, ये मैंने पीछे भी समझाया था आपको। तो डी आई का इंटीग्रेशन तो आई वी जीरो ओवर एल, इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस साइन यहां लगा दिया, मल्टीप्लाइड में ना बेटा ये, तो माइनस साइन यहां लगा सकते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा, यहां तक किसी को दिक्कत, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े तो आई बराबर माइनस के वी जीरो एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया, आया। अब एक बात बताओ, अगर हम यहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो आई मैक्सिमम तो कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम तो आई मैक्सिमम, और कॉस के टेबल में मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये, और ये मैक्सिमम वैल्यू कौन होगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है ये, और अगर ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू दैट मीन्स करंट है ये, तो इसे मैं लिख सकता हूं माइनस के आई जीरो कॉस ओमेगा टी। मैंने आई जीरो किसकी जगह पे लिखा, नोट करो,
आई जीरो मैंने लिखा वी जीरो बटे एल ओमेगा की जगह। तो अगर ये अगर करंट है और ये वोल्टेज है तो ये क्या होना चाहिए? ये रेजिस्टेंस होना चाहिए भाई। करंट की जो यूनिट फॉर्मूला होता है वी ओवर आर, ये तो होता है। तो इसकी अगर यूनिट एम्पियर चाहिए तो इसकी यूनिट वोल्ट होनी चाहिए और इसकी यूनिट ओम होनी चाहिए। तो वोल्ट पर ओम ही तो क्या होता है करंट, एम्पियर। तो बताओ ये क्या चीज होनी चाहिए एल ओमेगा? ये एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, और जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक ये करंट नहीं होगी। तो अगर ये रेजिस्टेंस है, ये पूरा टर्म रेजिस्टेंस है, तो इसको लिख लिया आपने V0 कितना XL, तो XL की वैल्यू कितनी हो गई L ओमेगा। तो देखो मैंने प्रूव कर दिया। और इसे हमने रेजिस्टेंस ही क्यों माना है ये भी समझ में आया, इसे रेजिस्टेंस ही क्यों कंसिडर किया है ये समझ में आया, क्योंकि अगर ये करंट है तो ये वोल्टेज है, तो ये रेजिस्टेंस ही होना चाहिए तभी ये करंट हो सकता है। करंट की यूनिट एम्पियर, जो किसके बराबर होती है वोल्ट पर ओम, तो वोल्ट पर ओम होगा तब इसे इसकी यूनिट एम्पियर आएगी। तो ये रेजिस्टेंस है और इसका नाम रखा हमने पीछे पढ़ाया आपको लेक्चर नंबर 5 में इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इस एक्सेल की यूनिट क्या होती है? ओम। पढ़ाया ना, और मैंने बताया था मैं प्रूव कर दूंगा कि एक्सेल की वैल्यू एल ओमेगा, और ये एक रेजिस्टेंस होता है। तो एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसे एक्सेल को हमने एल ओमेगा को एक रेजिस्टेंस क्यों कहा? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन आ गई। अब इसकी फेज में कंपेयरिंग करें, अगर हम इसका फेज देखें तो इसका फेज ओमेगा टी, ऐसे का भी फेज ओमेगा टी, सब दोनों का फेज सेम आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ नहीं हुआ, फेज ऐसे थोड़ी चेक करते हैं कि चेक कर लिया ओमेगा टी और ओमेगा टी। फेज चेक करने के लिए तीन पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहले आपको ये सब डेरिवेशन यहाँ तक क्लियर हुआ, इसके आगे जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान सुनना अच्छी तरीके से, है ना। तो देखो मैं इसे मिटा देता हूँ, है ना, डेरिवेशन समझ में आ गया ना। इक्वेशन वी की वैल्यू कितनी है? वी जीरो साइन ओमेगा टी, यहां लिख देता हूं ये इक्वेशन नंबर 2, और यहां लिख देता हूं इसे हटा के कि वोल्टेज की इक्वेशन कितनी आई, वी जीरो, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज की इक्वेशन है फर्स्ट, ये करंट की इक्वेशन है। फेज में कंपेयरिंग कैसे करते हैं वो जरा समझें, यहां बच्चों को समझ में नहीं आता, कॉन्सेंट्रेट करना होगा, ठीक है। देखो फेज में कभी भी आप कंपेयरिंग करो, जैसे करंट का यहाँ इक्वेशन है माइनस के आई जीरो क्या है कॉस ओमेगा टी है, और वोल्टेज की इक्वेशन है वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी है। तो फेज में कंपेयरिंग कैसे करते हैं? देखो यहाँ ये ओमेगा टी दिख रहा है, ये ओमेगा टी दिख रहा है, इन दोनों के साइन चिन्ह सेम होने चाहिए। वैसे इस जगह पे देखें तो ओमेगा टी प्लस का है, ओमेगा टी प्लस का है, तो सेम चिन्ह के होने चाहिए कंपेयरिंग करते समय। वन, ये एक फैक्टर हो गया। तीन फैक्टर चेक करते हैं, दूसरा फैक्टर ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन का, और ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस का। तो ये टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सेम होना चाहिए। अगर ये साइन का है तो ये भी साइन का ही होना चाहिए, अगर ये कॉस का है तो ये भी कॉस का ही होना चाहिए, तभी फेज में कंपेयरिंग करते हैं, है ना। अगर ये साइन का है तो ये भी साइन में ही होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, यहाँ पे ये साइन कैसा है नेगेटिव, और यहाँ पे ये साइन कैसा है पॉजिटिव, तो ये जो साइन है और ये वाला जो साइन है ये साइन भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, यहाँ ये नेगेटिव है और यहाँ ये पॉजिटिव है, तो ये भी सेम नहीं है, तो ये सेम होना चाहिए, तब फेज में कंपेयरिंग करते हैं। तो क्या यहाँ ये सात तीनों पॉइंट यहाँ पर मैच कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे। ओमेगा टी प्लस का, ओमेगा टी प्लस का, ये तो ठीक है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस, ये सही नहीं है, तो इस कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे टर्म साइन कैसा है, चिन्ह कैसा है प्लस का, और यहाँ पे चिन्ह कैसा है माइनस का, तो ये भी एक गड़बड़ वाला पॉइंट है ना। तो अब इसको हमें इसमें बदलना है, क्लियर हुआ। तो अब इसे बदले कैसे, इसे बदले कैसे? तो देखो हम थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी चालाकी चल लेते हैं, है ना।
अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो चालाकी चलने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो थोड़ी सी चालाकी चलेंगे तो फटाफट आ जाएगा जी, और समझ में भी आ जाएगा, बाद में रीचेक कर लेंगे। तो देखो चालाकी क्या करते हैं, ये क्या है हमारा इंडक्टर, ये क्या है हमारा इंडक्टर, है ना। तो मैंने आपको रूल बताया, फेजर डायग्राम बताया इसका, मैंने कहा ये याद कर लेना फेजर डायग्राम, और याद करना ही पड़ेगा आपको फेजर डायग्राम। करंट कुछ नहीं करती और वोल्टेज लीड करता है ऐसे, ये तो फेजर डायग्राम था इसका। और इसका अगर ये फेजर डायग्राम है तो इसमें लिखेंगे क्या, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वी लीड कर रहा है, लीड आई बाई फेज पाई बाई टू रेडियन। तो इसमें कौन कुछ नहीं कर रहा, करंट, तो करंट की इक्वेशन स्टैंडर्ड आएगी, करंट कुछ नहीं कर रहा तो करंट इक्वेशन स्टैंडर्ड, वोल्टेज लीड कर रहा है तो वोल्टेज इक्वेशन में चेंज करेंगे 90 डिग्री, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री तो लीड कर रहा है, इसको पाई बाई टू रेडियन लिख सकते हैं ऐसे, है ना ये। तो क्या हमारी जो वोल्टेज इक्वेशन तो हमने शुरुआत से लेके चले थे ना, ये क्या इस वाली वोल्टेज इक्वेशन से ये मैच कर रहा है, हमें चेंज इसमें करना है, तो वोल्टेज इक्वेशन तो ये रखनी है, तो क्या हमारी ये वाली इक्वेशन वोल्टेज इक्वेशन से मैच कर रही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैच नहीं कर रही। देखो कहां मैच कर रही, v बराबर v0 sin ओमेगा t + पाई / 2 है और v बराबर v0 sin ओमेगा t है, तो मैच ही नहीं कर रहा। तो इसको हम दूसरी तरीके से, दूसरा लाइन क्या लिख सकते हैं भाई, इसका दूसरी लाइन सेकंड लाइन, अगर v आगे है करंट से फेज में पाई / 2, v आगे है i से फेज में पाई / 2, तो i पीछे होगा करंट में, करंट पीछे होगा वोल्टेज v से, तो इसको उल्टा करके कैसे लिख सकते हैं, रिवर्स करके, सेम लाइन होती है दोनों में से, एक ही बात है, तो हम लिख सकते हैं आई लैग बिहाइंड बी बाई फेज पाई बाई टू रेडी। अब इसमें कौन कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज, तो वोल्टेज कुछ नहीं कर रहा तो वोल्टेज इक्वेशन स्टैंडर्ड, आई लैग कर रहा है तो आई की इक्वेशन आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के कितना पाई बाई टू रेडियन आया, आया, यही तो हमने याद किया था अभी, ये फेजर डायग्राम याद करिए, ये पहले से याद रखिए आप, समझ में आया था आपको, ये याद रखना ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ये याद नहीं तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं, ठीक है ना। और इससे ये लाइन याद हो जाएगी, इससे इक्वेशन भी याद हो जाएंगी आपको, इक्वेशन भी लिख पाओगे आराम से, इसको उल्टा करके आप दूसरी इक्वेशन लिख सकते हो। तो आप बताओ इस वाली इक्वेशन से हमारी ये वाली इक्वेशन मैच कर रही है, तो मैच कर रही है, देखो v बराबर v0 sin ओमेगा t और v बराबर v0 sin ओमेगा t, लेकिन करंट की इक्वेशन मैच नहीं कर रही, देखो। तो आप इस करंट को ये लिख दो, i बराबर i0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई टू, ये हमने चीटिंग कर, ये मैच कर रही है तो ये लिख दिया, देखो उससे मैच करा, और इसके साथ ये इक्वेशन है तो ये लिख दो इसकी जगह पर, तो लिख दिया। अब रीचेक कर लो क्या लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते, बस रीचेक कर लो आप इसे, तो लिख सकते हैं क्या नहीं, तो जरा थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं आप, ये समझ में आई कैसे चेक करते हैं, ठीक है ये हटा देता हूं, अब चेक करते हैं क्या वास्तव में ये इसके इक्वल है। तो देखो इस वाली इक्वेशन को उठा लो आप, आई बराबर आई जीरो साइन, ये क्या लिख रहा है ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री, तो देखो ये नाइन हम लिखते हैं कभी भी तो ये लिखते हैं 90 माइनस के थीटा साइन, 90 प्लस के थीटा साइन, 180 प्लस के थीटा ऐसे तो लिखते हैं, तो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो आप, तो आई जीरो साइन माइनस साइन आ गया, ये माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये 90 कैसा हो जाएगा प्लस का और ओमेगा टी हो जाएगा कैसा माइनस का, ये माइनस साइन कहां से आ गया क्लियर है, माइनस कॉमन ले लिया। अब याद करो ये साइन 90 माइनस के थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो कैसे होते हैं पॉजिटिव, यही तो रिजल्ट आ गया, देखो ये ना ये वाला, तो ये किस क्वाड्रेंट में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो कैसे होते हैं पॉजिटिव,
और पॉजिटिव होते हैं तो ये किस में पॉजिटिव आ गए, किस में कन्वर्ट होता है, साइन वाला कॉस में कन्वर्ट होता है, तो कॉस थीटा ये तो लिखते हैं, 90 को छोड़ के जो थीटा होता है वो लिख देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के आई जीरो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नाइन साइन पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव, ये तो पहले से आ रहा है माइनस, तो कॉस ओमेगा टी, ये तो आई बराबर ये आ रहा है, दिख रहा है, तो आई बराबर माइनस के आई जीरो कॉस ओमेगा टी, इसीलिए तो इसकी जगह पे ये लिखा है, क्लियर है ना। अब जब लिख दिया तो इक्वेशन नंबर टू हो गई ये वाली, समझ में आया। अब फिर में कंपेयरिंग करो, ओमेगा टी प्लस का है, ओमेगा टी भी प्लस का है, आया ओमेगा टी प्लस का है, ओमेगा टी भी प्लस का है, यहां माइनस साइन है, यहां सॉरी यहां पर प्लस साइन है, यहां पर भी प्लस साइन है, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, और यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, तो सेम है, बना ली ना तीनों चीजें। अब फेज में कंपेयरिंग कर सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, वोल्टेज की इक्वेशन स्टैंडर्ड, तो वोल्टेज तो कुछ नहीं कर रहा, अल्टरनेटिंग करंट क्या कर रही है, लीड या लैग कर, देखो तो आई लैग कर रही है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट अल्टरनेटिंग करंट आई लैग बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी बाई फेज, कितना लैग कर रहा है देखो, पाई बाई टू रेडियन, इसका फेज ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस के पाई बाई टू पीछे कम है ना, जो कुछ नहीं करता वो इधर लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, yes. अगर ये लाइन प्रूफ करने के लिए कहता तो ये लाइन तो प्रूफ हो ही गई, अगर इसकी उल्टी लाइन कहता है तो आप ये भी कह सकते या करके सीधा, अगर आई पीछे है वोल्टेज से फेज में पाई बाई टू रेडियन, तो आई पीछे है ना तो वोल्टेज आगे होगा ना, तो आप ये भी लिख सकते हो द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी लीड द अल्टरनेटिंग करंट आई बाई फेज पाई बाई टू रेडियन। तो इन दोनों में से कोई भी एक लाइन प्रूफ हो जाए, तो मैंने एक लाइन प्रूफ कर दी ये वाली, और वो प्रूफ हो जाएगी अपने, समझ में आया था आपको। तो देखो ये हमने रिलेशन प्रूफ किया, क्लियर है, पहले आपको ये समझ में आया या नहीं आया, आ गया। तो अब बताओ अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनाएं, क्या बनाएं, पहले प्रूफ समझ में आया आपको, हमने यही तो प्रूफ करना था, फेज रिलेशन बताना था, कैसा रिलेशन है इंडक्टर में। अब अगर हमें फेजर डायग्राम बनाने की कहता है इसका, फेजर डायग्राम, तो देखो इसमें वोल्टेज कुछ नहीं कर रहा, तो वोल्टेज कुछ नहीं कर रहा था, वोल्टेज तो ऐसे आएगा, जो कुछ नहीं करे वो अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब लीड लैग नहीं कर रहे, इसका फेज स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, जिसकी इसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड है, यही तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वेशन पड़ी थी, जो वो हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस आती है। अब ये फेज में पाई बाई टू कम है, लैग कर रहा है, लैग करे तो नीचे 90 डिग्री कर रहा है, इसलिए 90 डिग्री बनाया आज, ये फेज डिफरेंस कितना है दोनों में पाई बाई टू का, लेकिन इसकी उल्टी लाइन लिखते अगर आप इसकी सेकेंड लाइन लिखते और करके, तो उसे क्या लिखते भाई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी लीड द अल्टरनेटिंग करंट आई बाई फेज पाई बाई टू रेडियन। तो अब इसमें कौन कुछ नहीं कर रहा, अल्टरनेटिंग करंट, अगर इस लाइन के लिए फेजर डायग्राम बनाए तो आई कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो वोल्टेज ऐसे लीड कर रहा है। ये दोनों ग्राफों में से आप कोई सा भी ग्राफ बना सकते हो, फेजर डायग्राम ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ये वाला मैं बनाता हूं, ये याद रखूंगा मैं कि आई कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज लीड कर रहा है, पाई बाय टू रेडियन, ये दोनों लाइन एक ही है। अगर इक्वेशन लिखना चाहें इस वाली लाइन की, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, आई कुछ नहीं कर रहा तो आई की इक्वेशन स्टैंडर्ड साइन ओमेगा टी, वोल्टेज लीड कर रहा है तो वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू रेडियन, इस लाइन के लिए इक्वेशन, और इस वाली लाइन के लिए तो इक्वेशन ये रही और ये रही, ये फेजर डायग्राम, दोनों में से कोई सा भी बना दो,
दोनों ही करेक्ट है, एक ही मतलब है दोनों का, क्लियर है। अच्छा वेव डायग्राम कैसे बनाए सर? तो वेव डायग्राम अगर बनाना है तो देखो वेव डायग्राम पर ध्यान देते हैं, तो इसके दो वेव डायग्राम बन सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई सा भी बना देना, दोनों सही ही है, एक ही चीज है। एक वेव डायग्राम बना सकते हैं इस लाइन से, क्या देखो ए वाली इक्वेशन ले लो और ये वाली इक्वेशन ले लो, इन दोनों से वेव डायग्राम बना, तो देखो एक वेव डायग्राम ये टी वाला, ये करंट और वोल्टेज दोनों ऐसे। तो पहले वोल्टेज अगर आप बना लेता हूं, तो देखो साइन ओमेगा टी का है प्लस का है, तो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, ये टी बाई फोर, ये टी बाई टू, ये थ्री टी बाई फोर और ये टी, जीरो से स्टार्ट होगा। पहली बार मैक्सिमम होगा टी बाई फोर पर, फिर जीरो होगा टी बाई टू पर, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। ठीक है, ये तो वोल्टेज का हो गया। करंट का बना इसका, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको ये इसी से तो बनाया था ये, कि कॉस का ग्राफ है किसका है, कॉस का है ना, ये ग्राफ कॉस का है और माइनस में है, कहां से स्टार्ट होगा, कॉस का है माइनस में भी है तो स्टार्ट यहां से होगा, लेकिन करंट का एम्पलीट्यूड कम होता है ना वोल्टेज के एम्पलीट्यूड से, तो एम्पलीट्यूड जो वोल्टेज का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसे कम कर देना, स्टार्ट यहां से होगा जीरो से नहीं, और नीचे से होगा नेगेटिव में, इसीलिए नेगेटिव में, तो इसीलिए पहला कट कहां पर आएगा, कॉस में टी वाई फोर पर, यहां पर मैक्सिमम कहां वैल्यू होगी, टी वाई टू पर, जब यहां जीरो हो रहा है तो इसके बाद मैक्सिमम, फिर जीरो है ना, फिर मैक्सिमम, तो यहां पर मैक्सिमम ऐसे, फिर जीरो इस जगह पर जहां मैक्सिमम, ये तो देखो ऐसे यहां पर जीरो हो गया तो इस जगह पर मैक्सिमम हुआ ना, जहां ये जीरो है, यस, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम रखना है ऐसे, है ना, ये मैक्सिमम हो गया इस जगह पर, और फिर ये जीरो इस जगह पर, जहां ये मैक्सिमम है ना, टी वाई फोर पर मैक्सिमम था, यहां पर ये जीरो है, फिर यहां पर ये जीरो हो गया है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन में ये करंट आई कर रहा, समझ में आया आपको। तो एक ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, और एक इस वाले से भी बना सकते थे, इस वाले से, इस वाली लाइन से, इस लाइन से सर कैसे, तो इस लाइन के लिए इक्वेशन लिख सकते हो आप, कौन कुछ नहीं कर रहा है, आई, तो आई की इक्वेशन स्टैंडर्ड रहेगी, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, ऐसे। वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड, वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड, तो लीड कर रहा है, तो वोल्टेज क्या की इक्वेशन लिख सकते हो, वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई वाई टू रेडियन, 90 डिग्री लीड कर रहा है। अब जरा चेक करो इसको क्या लिख सकते हो, तो वी जीरो, ये 90 प्लस थीटा लिखा है, साइन 90 प्लस थीटा, ये देखो ये 90 और ये थीटा प्लस लग रहा है, पीछे किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा होता है, पॉजिटिव, किस में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में, तो कॉस थीटा, ये तो लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, लेकिन कैसा आ रहा है, दिख रहा है प्लस का। अब इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वेव डायग्राम दोनों में से कोई भी बना दो, इंडक्टर के लिए ये बना दो, ये बना दो, एक ही बात है, ये इंडक्टर के लिए ही ग्राफ है, तो इंडक्टर के लिए अगर ये वाली इक्वेशन लेके बनाए तो वेव डायग्राम कैसे बनेगा, ये लिख के जरूर आना है कि ये वाला V का है, ये वाला I का है, ये लिख के आना, ठीक है ना। अब इसमें देखें, इसके लिए बना रहे हैं हम, ये T, ये करंट और वोल्टेज दोनों V, तो किसकी क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, देखो पहले I की बना देते हैं, साइन का ग्राफ है प्लस का है, तो स्टार्ट कहां से होगा, जीरो से होगा क्या, नहीं तो जीरो से स्टार्ट होगा, पहली बार मैक्सिमम टी बाई फोर पर, फिर जीरो, फिर थ्री टी बाई फोर पर, ये आई का ग्राफ। वोल्टेज अगर आप बनाए तो कॉस का है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है वोल्टेज, अगर आप थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बड़ा दिखाएं, यहां से इसे थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बड़ा कर देखें, यहां से जीरो से स्टार्ट होगा, पहला कट टी बाई फोर पर ऐसे,
फिर जब यहाँ जीरो हो गया है तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा थोड़ा सा इससे बड़ा ये, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से नहीं आया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ से पास होना चाहिए वहीं से पास करना है, कहीं से भी पास मत कर देना। टी वाई फोर पर पहला कट लगाएगा। अब इसमें ये लिख देंगे ये किसका है, ये वोल्टेज का है, ठीक है। ये इंडक्टर के लिए इन दोनों में से कोई से भी आप फेजर वेव डायग्राम बना सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ये दोनों के इंडक्टर है। कभी इंडक्टर का वेव डायग्राम ये दे दे, समझ में आया आपको। जानते हो एक छोटी सी बात और बताऊं, मान लो मेरे को ये वेव डायग्राम दे रखा है, सुनना अच्छे तरीके से, ये वेव डायग्राम गिवन है, तो क्या मैं इस वेव डायग्राम से देख के करंट की इक्वेशन और वोल्टेज की इक्वेशन लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। करंट की इक्वेशन देखें तो देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, पहला कट टी वाई टू पर है और ग्राफ ऐसे, तो साइन का या कॉस का, तो साइन का, तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, साइन का ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, मैक्सिमम से, और पहला कट टी वाई फोर पर, तो कॉस का है और ऊपर से स्टार्ट हुआ है तो ये कॉस का। और इसे कन्वर्ट करें तो आई जीरो साइन 90 प्लस ओमेगा टी, दैट मींस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसे वोल्टेज, सॉरी ये वोल्टेज का ग्राफ है, आया। और जब ऐसा आ गया तो हम यहां से लाइन भी लिख सकते हैं इक्वेशन की, कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट आई से, तो वी लीड द करंट आई बाय फेज पाई बाय टू रेडियन। तो इसका फेजर डायग्राम ऐसे बनेगा, आई कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज लीड कर रहा है, ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं। इसमें ग्राफ देखो, ये वाला जीरो से स्टार्ट और ग्राफ किसका है, वोल्टेज का, तो इक्वेशन लिख सकते हो आप, इक्वेशन V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी, ग्राफ को देख के। ये करंट का ग्राफ है लेकिन स्टार्ट नीचे से होता है, पहला कट्टी वाई फोर पर है, तो कॉस का ग्राफ है नेगेटिव में है, आई बराबर माइनस के आई जीरो कॉस ओमेगा टी, और ऐसे ले सकते हैं आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अभी समझाया था, तो इसमें वोल्टेज कुछ नहीं कर रहा है, तो इसमें करंट क्या कर रहा है, लैग, तो आई लैग बिहाइंड वी बाई फेज पाई बाई टू रेडियन। और देखो ये लाइन और ये लाइन सेम है, चेक कर लो, क्लियर है क्या नहीं। तो ग्राफ को देख के भी हम इक्वेशन और लाइन लिख सकते हैं, समझ में आया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेव डायग्राम समझ में आया आपको, ठीक है। अगला देखते हैं कैपेसिटर, अगला देखते हैं कौन सा, कैपेसिटर एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। If AC circuit contain, थर्ड केस देख रहे हैं, इफ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, कैपेसिटर बना दिया, एसी सोर्स लगा दिया, बी बराबर बी जस जीरो, फिर लिख दो अल्टरनेटिंग वोल्टेज applied across plate of capacitor, तो V बराबर alternating voltage, V बराबर V zero sin omega t, equation, but we know that potential difference across capacitor कितना होता है, V इक्वल टू Q ओवर C। तो देखो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कैपेसिटर, और इतना हमने अप्लाइड किया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड किया कैपेसिटर के अक्रॉस, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इस V की वैल्यू यहां रख दें तो कितना आ जाएगा, V जीरो साइन ओमेगा टी क्यू ओवर सी। ये बताओ हम करना क्या चाहते हैं इस डेरिवेशन में, इस डेरिवेशन में हम V और I में फेज में क्या रिलेशन है वो निकालना चाहते हैं। फेज में रिलेशन क्या है ये कैसे पता पड़ेगा, वोल्टेज इक्वेशन तो हमारे पास है, इसका फेज कितना है ओमेगा टी। अगर हम करंट का इक्वेशन और निकाल लें उसका फेज क्या है, तो दोनों में वोल्टेज और करंट के फेज में क्या कर देंगे, रिलेशन पता पड़ जाएगा।
तो हम वोल्टेज की इक्वेशन हमारे पास है, हम करंट की इक्वेशन और निकाल लें और करंट का फेज क्या है वो चेक करके फेज में कंपेयरिंग करते हैं। तो करंट की इक्वेशन कैसे निकालें यहां से, तो पहले तो चार्ज निकालें इसका से मल्टीप्लाई, तो Q बराबर आ जाएगा सी वी नॉट साइन ओमेगा। अब चार्ज से करंट कैसे निकालें, चार्ज से करंट निकालना है, करंट की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालनी सोचो। तो करंट की इक्वेशन होती है I बराबर फॉर्मूला होता है dQ ओवर dt होता है। तो अगर इस चार्ज का डिफरेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू t तो dQ ओवर dt निकल जाएगा और वो किसके इक्वल होगा, करंट के। तो अब इस इक्वेशन का Q बराबर CV0 sin ओमेगा t, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो d ओवर dt Q किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, तो टी को छोड़कर सारा बाहर निकाल ले, सी वी नॉट डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी। देखो इसकी जगह पे तो हम करंट लिख सकते हैं डी ओवर डी टी क्यू, डी क्यू ओवर डी टी आई, तो ये तो आई लिख दिया। सी वी नॉट, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी ओवर डी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कुछ नहीं होता, फॉर्मूला याद कर लो जो फिजिक्स में यूज होता है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन केवल फॉर्मूले बेस्ड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होता है। जैसे साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस टी, ये तो फॉर्मूला है बेटा, ये याद होना चाहिए। अब करना किसका है वो देखो, तो डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी का करना है, तो इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में डिफरेंस किसका है, ओमेगा का, ओमेगा एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा होता है ना उसको पहले कॉस साइन ओमेगा, साइन टी का कॉस टी, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, जो एक्स्ट्रा वो मल्टीप्लाइड में, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाइड में, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है, तो ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाइड में आया। तो क्या डिफरेंशिएशन हुआ समझ में आया, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गया, क्लियर है। अब ये बताओ करंट का इस कॉस ओमेगा टी के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली अगर कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, कॉस की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, तो अगर इसकी वैल्यू प्लस वन रखें तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, सी वी नॉट ओमेगा, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, आई नॉट, दैट मीन्स ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है तो इसे आई नॉट लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। अब यहां ध्यान देना, यहां इस पर ध्यान देना कि ये क्या लिखा है हमने, I नॉट किसकी जगह पर लिखा है, तो I नॉट हमने लिखा है सी वी नॉट ओमेगा की जगह पर, है ना। तो देखो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, I नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर वन ओवर ओमेगा सी, देखो वन ओवर ओमेगा सी लिखा है, तो ओमेगा सी ऊपर आके वी नॉट के साथ ही तो आ जाएगा, क्लियर है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और इस क्वांटिटी को हमें क्या नाम देना चाहिए, रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो ये रेजिस्टेंस होगा तभी तो ये करंट होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस ही तो करंट होता है, तो एक ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, और रेजिस्टेंस होना चाहिए तो इस क्वांटिटी को हमने सिंबल दे दिया क्या, एक्ससी, एक कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, मैंने पीछे पढ़ाया लेक्चर नंबर 5 में, मैंने कहा था इसे प्रूव कर देंगे और ये भी समझाएंगे इस क्वांटिटी को, इसका फॉर्मूला तो 1 अपॉन ओमेगा सी, और इस क्वांटिटी को हम रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, इसकी यूनिट ओम, क्योंकि ये करंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो नीचे रेजिस्टेंस होगा तभी तो करंट आएगा, तो ये क्वांटिटी कैसी है, रेजिस्टेंस है, और इसका नाम होता है कितना, इस xc को वैल्यू तो 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर लिखा, 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह पर xc, तो एक इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, इसकी वोल्ट, इसकी ओम, तो वोल्ट पर ओम इसके बराबर एम्पियर के, तो इसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस की तरह से वर्क करता है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अगर इसका प्रूफ कहता है तो हमें यही प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें तो फेज रिलेशन निकालना है। अब फेज रिलेशन कैसे निकालें, यहां तक आ गए। अब मैंने आपको बताया था फेज में कंपेयरिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई,
ट्रिग्नोमेट्री देखो, ओमेगा टी का साइन, ओमेगा टी का साइन सेम है, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो भी सेम होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए आगे वाला, तो इसमें बस केवल एक गड़बड़ है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। तो इसमें हम इसे देखो डायरेक्टली लिखना चाहूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बच्चे कहते हैं सर एक बात पूछ लूं, मैंने पूछो देखो साइन 90 माइनस के थीटा भी तो प्लस के कॉस थीटा होता है, दैट मींस आप इसे ऐसे तो लिख सकते थे 90 माइनस ओमेगा टी इक्वल टू प्लस के कॉस ओमेगा टी, और आप 90 प्लस थीटा भी प्लस के कॉस थीटा होता है, तो आप इसे साइन 90 दैट मींस प्लस ओमेगा टी इक्वल टू भी प्लस के कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी प्लस के कॉस ओमेगा टी की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, और प्लस के कॉस ओमेगा टी की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन आपने ये नहीं लिखा, ये लिखा आप इसको, इस रिजल्ट को आप ये भी लिख सकते थे सर आई जीरो साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, लेकिन आपने क्या किया ये लिखा, ये नहीं लिखा, क्यों? तो आप जरा चेक करो कि अगर मैं इस वाले को ऐसे लिख लूंगा तो मेरे को कोई एडवांटेज होगा। तीन क्वांटिटी चेक करते हैं, फिर रिलेशन चेक करने के लिए भी समझाया, यहाँ ओमेगा टी प्लस का है, यहाँ ओमेगा टी कैसा हो गया माइनस का, ये तो खराबी है, ओमेगा टी माइनस का हो गया। ट्रिग्नोमेट्री तुमने सेम कर लिया, फंक्शन यहां पर भी साइन सेम कर लिया चलेगा, लेकिन एक गड़बड़ तो कर दी, ओमेगा टी यहाँ प्लस का तो यहाँ ओमेगा टी माइनस का, तो ये नहीं चलेगा। इसमें देख लो आप, इसमें ओमेगा टी प्लस का, ओमेगा टी प्लस का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा है साइन, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, क्लियर हुआ। एक अगर आपको ये लिखना नहीं आता है कि इसको ऐसे लिखा तो आप एक चीटिंग कर लो, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि आपको डायरेक्टली इसका एक फेज रिलेशन याद होना चाहिए कि कैपेसिटर का जो फेजर डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, करंट ऐसे होता है और वोल्टेज ऐसे कैपेसिटर का, इसमें लिख सकते हो देखो वोल्टेज क्या कर रहा है, वी लैग कर रहा है, लैग बिहाइंड वोल्टेज, लैग बिहाइंड आई बाई फेज पाई बाई टू रेडियन, फाइव बराबर 90 या पाई बाई टू रेडियन, कौन कुछ नहीं कर रहा, आई जो कुछ नहीं करता वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लैग करता है वो नीचे, लीड करता है वो ऊपर, तो आई कुछ नहीं कर रहा तो आई की पोजीशन स्टैंडर्ड, वोल्टेज लैग कर रहा है तो वोल्टेज की पोजीशन में चेंज कर देंगे माइनस के पाई बाई टू। क्या एक बात आओ, हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन थी वो यही तो थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये थी, सेकंड इक्वेशन हमने ये प्रूव करी, दैट मींस ये हमें नहीं मालूम अभी, ये हम पे ये निकल के आया, तो क्या हमारी वोल्टेज इक्वेशन मैच कर रही है, नहीं कर रही, वोल्टेज की इक्वेशन मैच नहीं कर रही, तो इसको हम दूसरा सेकंड वे में लिख लेते हैं। अगर v पीछे है i से फेज में पाई बाई टू, अगर v पीछे है i से, v पीछे है i से तो i आगे तो होगा v से, तो i lead v by फेज पाई बाई टू। तो अगर इसको डायग्राम फेज डायग्राम है तो अब कौन कुछ नहीं कर रहा, v तो v ऐसे आएगा, i लीड कर रहा है तो i ऊपर आएगा, इक्वेशन लिखे तो कौन कुछ नहीं कर रहा, वी तो वी की इक्वेशन क्या आएगी, और करंट लीड कर रहा है तो करंट की इक्वेशन क्या आएगी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो देखो ये वाली इक्वेशन हमारे इससे मैच कर रही है कि नहीं देख लो, वोल्टेज इक्वेशन हमने जब अप्लाई किया था तो यही तो लिखी थी, तो ये मैच कर रही है, तो करंट की इक्वेशन ये आनी चाहिए इसके साथ, तो ये आ रही है कि नहीं, ये आ रही थी, तो इसकी जगह पे आप फटाफट ये लिख दो, लिख दो, फिर जी चेक कर लेना कि इसे लिख सकते हैं ऐसा या नहीं, ऐसे तो आप लिख सकते हो, इसको देख लेना आप, ठीक है। तो ये कैसे लिख दिया, सामने आया, तो
तो आपको इसको ऐसे लिख देंगे ये इक्वेशन नंबर टू, और ये हमने कंसिडर करी थी। अब कंपेयरिंग कर लो फेज में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वोल्टेज का फेज इक्वेशन स्टैंडर्ड और करंट की इक्वेशन में देख रहे हो तो पाई बाई टू एड होकर आ रहा है, तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो अल्टरनेटिंग करंट आई लीड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी बाई फेज पाई बाई टू, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। नहीं तो ये लाइन प्रूफ हुई, तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो आप लिखना चाहो, अगर आई लीड कर रहा है वी से बाय फेज पाई बाय टू, तो आई आगे है वी से तो वी पीछे होगा, तो वी लैग बिहाइंड आई बाय फेज पाई बाय टू रेडियन। तो अगर ये प्रूफ हो जाए या ये प्रूफ हो जाए, दोनों में से कोई एक प्रूफ कर दो, दोनों एक ही बात है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो। कुछ समझ में आया आपको डेरिवेशन यहाँ तक, ठीक है। तो देखो ये सब प्रूव करने के बाद आपको फेजर डायग्राम कौन सा याद रखना है ना, ये प्रूव कर दिया आपने, है ना। तो फेजर डायग्राम कौन सा याद रखना है और इसका क्या यूज है इन फेजर डायग्राम को बनाने से और इस लाइन से, वो हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। लेकिन आप याद रखो ओनली आर हो, एसी सर्किट में केवल आर हो, तो आई और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वी आर सेम फेज में होता है, वी एंड आई आर इन सेम फेज, ये फेजर डायग्राम याद रखो। एक ये हमने प्रूफ भी करके दिखाया, और ओनली इंडक्टर हो तो इसमें फ्लो करने वाली करंट और इसका वोल्टेज, ये रिलेशन याद रखो आप, आई और वोल्टेज वी, ये वीएल होता है, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो देखो इसमें आई कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज लीड कर रहा है, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी लीड द अल्टरनेटिंग करंट आई बाई फेज पाई बाई टू रेडियन, ये लाइन याद रखो। इसमें देखो आई और वी सेम फेज में, तो इक्वेशन स्टैंडर्ड होगी, इक्वेशन लिखना भी आनी चाहिए, ये लाइन से इक्वेशन लिख सकते हो आप, दोनों की इक्वेशन स्टैंडर्ड सेम फेज में। इसमें किसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड होगी, जो कुछ नहीं कर रहा, आई कुछ नहीं कर रहा तो आई की इक्वेशन स्टैंडर्ड, वोल्टेज लीड कर रहा है तो वोल्टेज इक्वेशन में चेंज कर दो, कितना लीड कर रहा है देखो 90 डिग्री लीड कर रहा है पाई बाई टू रेडियन, ओमेगा टी प्लस लीड कर रहा है इसीलिए प्लस। आपको बस यही याद रखना है, अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो इसको उल्टा कर लेना, लेकिन याद ये रखना है देखो आई आई यही याद रखना है आपको, अगर आपको उसको जरूरत पड़ती है तो इसको उल्टा करके बना सकते हो, बोल ये लाइन और ये वाली लाइन सेम लाइन है, I lag behind V by phase pi by 2 radian, ये सेम लाइन है, इनमें से आपको केवल पहली वाली लाइन याद रखनी है और इसकी इक्वेशन लिखना चाहिए तो V कुछ नहीं कर रहा और करंट लैग कर रहा है, लेकिन आपको याद ये नहीं रखना, ये वाला याद नहीं रखना है, इंडक्टर के लिए आप फेजर डायग्राम ये याद रखिए, आई कुछ नहीं कर रहा वोल्टेज लीड कर रहा है तो वी लीड अल्टरनेटिंग करंट आई बाई फेज पाई बाई टू, ये लाइन याद रखिए और सही क्वेश्चन ये लिख सकते हैं, इसमें ये डायग्राम फेजर डायग्राम और इस फेजर डायग्राम से ये लाइन याद रहेगी, इस डायग्राम से ये लाइन याद रहेगी, तो ये दोनों लाइन अभी हमें प्रूव करेंगे। कैपेसिटर के लिए ओनली कैपेसिटर हो, केवल कैपेसिटर, तो उसमें आप ये वाला डायग्राम याद रखिए, कैपेसिटर लगा लिया, इसका फेजर डायग्राम के लिए आप ये ध्यान रखिए आई ऐसे और इसके अक्रॉस वोल्टेज वी सी नीचे, देखो आई और वी सेम फेज में, वी लीड कर रहा है आई से, आई कुछ नहीं कर रहा, इसमें भी आई कुछ नहीं कर रहा, आई सेम कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज लैग कर रहा है, इसमें वोल्टेज क्या कर रहा है, इसके लिए लाइन लिखें कैपेसिटर के लिए, तो मैं कैपेसिटर के लिए लाइन लिख रहा हूं, तो लिखेंगे द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी लैग बिहाइंड
lag behind the alternating current, the alternating current I by phase pi by 2 radian. आया ये लाइन याद, ये डायग्राम याद रखोगे तो ये लाइन याद रहेगी. हमें यही याद रखना है. ये तीन फाइनल केस, इसको उल्टा कर रहे हैं तो आप उल्टा कर सकते हो. साइड अब दोनों मात एक ही होगी. जब V पीछे है करंट से तो I आगे होगा करंट से वोल्टेज में, है ना. I इसे और ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे I lead the V by phase pi by 2 radian. इसको कभी भी उल्टा कर लो, लेकिन याद एक ही स्टेटमेंट रखना है. ये वाला, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला याद रखो हमेशा, ठीक है ना. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसका यूज कल बताएंगे कि इनका यूज क्या है, और ये प्रूव करके अभी दिखाई है मैंने आपको. क्लियर है. इसकी इक्वेशन क्या रखेंगे, कौन कुछ नहीं कर रहा, आई तो आई इक्वेशन स्टैंडर्ड. वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग बिहाइंड, तो वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. जानते हो इनमें से कोई भी तीन, देखो तीन सेंटेंस है, एक फिगर डायग्राम है, एक ये लाइन है और एक इक्वेशन है. इनमें से कोई भी एक सेंटेंस हमें दे दे क्वेश्चन में. ये दे दिया कि ये फेजर डायग्राम, तो इस फेजर डायग्राम को देख के हम लाइन लिख सकते हैं. लाइन दे दी आई और वी सेम फेज, तो फेजर डायग्राम बना सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं. इक्वेशन दे दी तो इक्वेशन को देख के लाइन लिख सकते हैं. ओमेगा टी दोनों की इक्वेशन सेम है तो सेम फेज में है. इस इक्वेशन को देखो, आई की स्टैंडर्ड इक्वेशन है और वोल्टेज में माइनस के पाई बाई 2 लग रहा है, तो वोल्टेज लैग कर रहा है. जिसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड हो वो कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन. तो इस इक्वेशन को देख के लाइन, लाइन से देख के ग्राफ, इन तीनों में से कोई एक सेंटेंस क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम बाकी का बना सकते हैं, और गिवन नहीं होगा तो ये गिवन होगा. चार कहें और लिखे, ये कहेगा कैपेसिटर है. अगर केवल कैपेसिटर है तो ये वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, चार सेंटेंस हो गए. अगर ये कहेगा कैपेसिटर तो ये वाला, ये वाला, ये चारों वैलिड होंगे कैपेसिटर के लिए, और ये हमने प्रूव किए हैं. ये चार तीन रूल समझ में आ गए आपको, इनका डेरिवेशन मैंने कराया, कल इनका यूज देखेंगे कि इनकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ही पावरफुल लाइन, इनके बिना आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला. ठीक है, थैंक यू. आगे कल देखते हैं.